नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीषा प्रसाद है। कितने भाई बहन आप लोग? दो भाई और दो बहन। अभी आप किस क्लास में हो? मैं अभी काजी नजरुल यूनिवर्सिटी से एमए कर रही हूँ, एमए सेकेंड ईयर में हूँ। पोएट्री से आपको इंटरेस्ट कब हुआ? पोएट्री से जब मैंने हिंदी लिया था तो कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम होते थे जिसमें काव्यावृत्ति करने के लिए कहा जाता था। तो फिर मैंने देखा कि मैं लिख सकती हूँ, मतलब जिस तरह के मतलब उस समय हालात थे, तो मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा और उसके बाद फिर मैंने लिखने की कोशिश की। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं लिख पाई, तो फिर मैंने लिखने लगी। आपने क्या लिखा, हमारे दर्शकों को सुनाओ तो। मैंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है ये शहर। आज इस शहर को क्या हो गया, लगता है कोई ग्रहण लग गया। हर तरफ शोर है अजीब सी, वो लुट गई, सब लुट गया। क्यों बेरहम ये शहर हो गया, इंसान इंसान से क्यों डर गया। मैं खामोश सोचती रही, इंसान हैवान क्यों बन गया। अबला नारियों ने क्या जुर्म किया कि इंसान हवस का पुजारी बन गया। कई प्रश्न जहन में आते रहे, नारी ने पुरुषों को क्यों जन्म दिया। मन उलझनों में उलझता गया, विचलित मन सोचता रहा। आज इस शहर को क्या हो गया, लगता है कोई ग्रहण लग गया। अपने पोएट्री में आपने कहा कि इंसान इंसान का दुश्मन हो गया, कब लगा? ये अभी जो हाल में इंसिडेंट हुआ है, हैदराबाद वाली जो बलात्कार की घटना हुई है, तो मैंने उसी को केंद्र में रखकर इसको लिखा था कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और अभी तो बहुत सारी घटनाएं इस तरह की हो रही हैं, तो फिर मुझे लगा कि उसी को केंद्र में रख के मैंने ये लिखा। ये जो घटनाएं हो रही है, आपको क्या लगता है इसके जिम्मेदार, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए मैं चाहती हूँ कि इसके लिए सख्त से सख्त कानून बने, जिससे सजा दी जाए, ताकि सजा देने से ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि ये कम नहीं होगा, कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर आएंगे। जो कि सजा देने के लिए सख्त कानून नहीं बन रहे हैं, जैसे कि निर्भया केस में भी उनके जो अपराधी थे, अभी तक उनको कोई सजा नहीं दी गई है। अगर उस समय ही कुछ किया गया होता तो शायद आज कुछ परिवर्तन आया होता। इसमें क्या कहीं भी लड़कियां भी जिम्मेदार है ना, सारा दोष लड़कों पर है। हर लड़कियां जिम्मेदार नहीं होती है, मेरा तो ये मानना है। जैसे कि कहा जाता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, उनमें संस्कार नहीं है, तो ये चीज गलत है, क्योंकि संस्कार कपड़ों से नहीं देखे जाते हैं। क्या करना चाहते? मेरा तो सपना है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और जैसे कि मेरी फैमिली की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं अभी तो फिलहाल मतलब किसी भी फील्ड में जॉब करना चाहूँगी, उसके बाद देन मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ। नहीं, आपके फैमिली के कंडीशन हम लोग को ठीक दिखाई दे रही है, और आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, आप यहाँ तक आए हो, इसके श्रेय किसको दोगे? इसके श्रेय तो मैं अपने माता पिता को ही दूंगी, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव है, दे आर वेरी सपोर्टिव। अगर वो सपोर्टिव नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। जिंदगी में ऐसा कभी लगा कि आप मायूस हो गए हो? ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा से मेरे साथ रहे हैं, उनका सपोर्ट मिलता रहा, शिक्षक भी थे ऐसे जो सपोर्ट करते रहे, तो ऐसा नहीं लगा, अब तक तो सब ठीक चल रहा है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे टीचर आए होंगे, कुछ ऐसे टीचर जिनको अब तक नहीं भूल पाए हो? हाँ, एक सर है जिनको मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ, वो उनका नाम है दिलीप सर। अच्छा। तो वो मतलब बहुत अच्छे, मतलब टीचर से ज्यादा वो एक फ्रेंड, बहुत कोऑपरेटिव। हाँ। आपकी प्राइमरी का एजुकेशन कहाँ हो, प्राइमरी तालीम कहाँ से? प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग में मैं जब 2.5 साल की थी, तो मम्मी ने मेरा एडमिशन एक सनबीम स्कूल में करा दिया था। अच्छा। तो उसमें मैं पढ़ने जाती थी, और जब मैंने उसके बाद देन मैंने बनपुर गर्ल्स स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, फिर वहाँ से जब मैंने 12th पास किया, तो मैंने उसी स्कूल में टीचिंग किया, मतलब मैं पढ़ाने लगी जिस स्कूल से मैंने बचपन में पढ़ा था। अच्छा। तो उसके बाद देन मैं गर्ल्स कॉलेज, प्राइमरी तो मेरा गर्ल्स स्कूल से हुआ है, बनपुर गर्ल्स हाई स्कूल। अभी आप मास्टर डिग्री कर रही हो, जाहिर सी बात है कि इन ड्यूरेशन में बहुत सारे आपके स्टूडेंट दोस्त हुए होंगे, और इसके साथ बहुत से आपके फ्रेंड भी होंगे, स्कूल फ्रेंड्स। कुछ ऐसा फ्रेंड है जिसको अभी तक आप याद करते हो? हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो अभी भी हैं, स्कूल फ्रेंड्स अभी भी हैं मेरे साथ। उनके साथ कुछ यादगार लम्हा है? यादगार लम्हा मैं क्या बोलूँ, वो तो हमेशा यादगार ही रहा है। मतलब या कुछ ऐसे स्टूडेंट जिसको आप मिस कर रहे हो? हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्कूल में भी साथ थे और अभी भी साथ ही है। हाँ। हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी स्टूडेंट है, उनका ज्यादा वक्त या तो पार्क में बीत रहा है, या फिर 4G मोबाइल चलाने में व्यस्त है,
ऐसा लगता है कि वो अगर उनको टाइम है कॉलेज का, लेकिन उनको हम देखते हैं पार्कों में, वैसे स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज आपका? इसके लिए ये सारी चीजें मतलब उनके ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ सब लोग स्वतंत्र है कि वो जो मन है वो कर सके, लेकिन जो अपने वो समय को व्यर्थ गवा रहे हैं तो ये उनकी गलती है, उन्हें इसमें सुधार करना चाहिए। और ये रही बात 4G की, तो इसके दो उपयोग है, अगर सही उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है, और गलत देखा जाए तो बहुत ही गलत है। और लेकिन सही मतलब जैसे कि 4G इंटरनेट आजकल तो YouTube में पढ़ाया भी जाने लगा है, तो हर पढ़ाई का भी मटेरियल इंटरनेट में मिल ही जाता है, तो हम चाहे तो इंटरनेट से ही आधी मतलब पढ़ाई मतलब आधा सोर्स वहीं से मिल जाता है, तो ये सब उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी हमारी जो न्यू जनरेशन है वो जब जॉब हासिल कर लेती है, जब वो जिंदगी में मुकाम बना लेती है, जब उनको नौकरी मिल जाती है, जब वो कुछ अर्निंग करने लगते हैं, तो फिर वो शादी करने के बाद घर से अपने माँ बाप को निकाल देते हैं। हाँ, तो ये इसका एक मैं बोलूँगी कि ये भी उनकी एक तरह की सोच है, सबकी सोच ऐसी नहीं होती है। जैसे कि प्राइवेट जॉब में ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं जॉब करते कि उन्हें घूमने का टाइम नहीं मिलता है, फिर अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी फैमिली के लिए टाइम ढूंढे या फिर उसको छोड़ के गवर्नमेंट जॉब ले, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसा नहीं होता है कि फैमिली के लिए टाइम नहीं है, उसमें छुट्टियां भी होती है। बच्चे बड़े होकर जो माँ बाप को घर से निकाल दे रहे उसके लिए चाहता होंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन देते कि आसनसोल में भी बहुत सारे ओल्ड एज होम बन रहे हैं, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग जाकर रह रहे हैं, क्या उनके दिल में बीतती होगी जब उनको बच्चे घर से निकालते होंगे। ये तो बहुत मतलब ये बहुत ही दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ाने में माता पिता का ही हाथ होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आज हो रहे जो भी आज एडुकेटेड हो जा रहे हैं तो वो उन सबको भूल जा रहे हैं, तो ये गलत बात है। ले रहे हो, हासिल कर रहे हो, आपको कहीं रुकावट दिखाई दिया, क्या लगता है कुछ और फैसिलिटी आपको मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से? हम सरकार अभी जैसे कि कन्याश्री हुआ, जैसे लड़कियों को पढ़ाने के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए कन्याश्री स्कीम हुआ, विवेकानंद स्कीम हुआ, तो वो दे रही है, तो ये एक अच्छी चीज है कि उन्हें आगे बढ़ने में मदद हो रही है। जैसे कि अगर कोई एमए कर रहा है तो उसके लिए विवेकानंद स्कॉलरशिप, फिर जाके जब क्लास 12th में थे हम लोग तो हम लोगों को कन्याश्री दिया गया था, तो ये सारी मतलब ये सब जो पैसे हैं मतलब आगे जाके पढ़ाई में ही खर्च होते हैं ज्यादातर, तो जो जिसे पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई में खर्च करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज नजर आ रही है। जो बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? ग्रेजुएशन में जो तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि वो एक अपना लक्ष्य निर्धारित करें, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के साथ ही एक लक्ष्य निर्धारित करें, और ग्रेजुएशन करते करते ही अपनी पढ़ाई पे अच्छी तरह से फोकस करें, और आगे वो क्या करना चाहते हैं उस चीज को लेकर चले। आप तो स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आपको 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए तो उन पैसा को आप क्या करोगे? अगर मुझे मतलब 1 करोड़ रुपए मिल जाता है तो जो लोग जैसे हेल्पलेस है उनकी मैं मदद करना चाहूँगी। जैसे कई औरतें ऐसी होती हैं जिनके हस्बैंड का डेथ हो गया हो, फिर कोई बच्चे अनाथ हैं, तो उन लोगों की मैं मदद करना चाहूँगी, और जो एक्चुअल मायने में मतलब गरीब है उनकी मैं मदद करना चाहूँगी, और एक फैक्ट्री बनाना चाहूँगी जिसमें उन लोगों को रोजगार दे पाऊँ। हम बोलते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो किताबों से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि वो किताबें पढ़ नहीं रहे हैं, और इंटरनेट भी एक जरिया है जो कि उनसे किताबों से दूरी बन रही है, क्योंकि आजकल ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चियों को पढ़ने नहीं देते, उसके बारे में तो उन्हें पेरेंट्स को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अगर बच्चियां पढ़ना चाह रही है, अगर आगे बढ़ना चाह रही हैं, तो उन्हें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, और उन्हें मौका देना चाहिए कि वो भी आगे चलकर कुछ करें, क्योंकि आजकल लड़कियां किसी भी फील्ड में कम नहीं है। देखा जाए तो ऑटो रिक्शा चलाने से लेकर वायुयान उड़ाने तक लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं, तो हर शक्तियों को आजमाने लगी है लड़कियां, तो उन्हें मौका ज़रूर देना चाहिए आगे बढ़ने का, क्योंकि लड़कियां हर चीज़ कर सकती हैं। अपने से थोड़ा सा और अच्छा आप लोगों को रिजल्ट होता जी, वहाँ फैसिलिटी यही है कि मतलब सेशन जो है सही से शुरू किया जाए, और जो रिजल्ट है टाइम से आउट हो, तो वो चीज़ थोड़ा सही होता है एडमिशन लेने में भी, क्योंकि स्टूडेंट विद्यार्थियों को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ना हो।
अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लड़के और लड़कियां जो दोस्त है उनमें अगर अनबन हो जा रही है तो वो सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे? सुसाइड करना तो एक कायरता है, क्योंकि जिंदगी इतनी छोटी नहीं है कि किसी एक छोटे चीजों की वजह से सुसाइड कर लिया जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी जो है बहुत खूबसूरत है और उसे अच्छे से जिया जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी और मेरे जीवन से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे वो कुछ भी हो। तो सुसाइड करना गलत बात है। जैसे कि अगर हम लाइफ में फेलियर भी हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो गलती हमसे दोबारा ना हो। ये ना कि अगर कुछ गलतियां हमसे हो गई है तो हम सुसाइड कर ले या फिर कुछ गलत काम कर ले। तो गलतियां इंसान से ही होती है, तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि क्या लेसन वो गलती दे रही है। हम लोग देख रहे हैं आप स्टूडेंट हो और जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में आपको हिंदुस्तान का सफर तय करना है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज, ये दोनों में बेटर कौन सा मैरिज आपको लगता है? बेटर तो मैं दोनों में से ये नहीं बोलूंगी कि ये बेटर है, क्योंकि ये आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि लव हो या अरेंज हो। आपका अगर पार्टनर सही होता है तो फिर दोनों करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पार्टनर सही नहीं है तो फिर दोनों को ही गलत माना जाता है, ऐसा है। अब कुछ दिनों के बाद हम लोग देख रहे हैं कि नया साल आने वाला है जी। उस नए साल में एक यंग जनरेशन का कुछ मैसेज दे दो आप। नए साल में मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले तो वो नया साल अच्छे से सेलिब्रेट करे, और साथ ही मतलब जो अभी के विद्यार्थी है, जैसे जिन्हें अभी मतलब पढ़ने की जरूरत है या फिर उनकी फैमिली को उनको जरूरत है, तो वो उस चीज का ध्यान रखे और अपने लिए एक गोल सेटअप करे कि हाँ मतलब नए साल में मुझे कुछ स्टार्ट करना है और कुछ अचीव करना है और आगे बढ़ना है। आज आपकी बेटी मास्टर डिग्री कर रही है, आपने कभी सोचा था कि आपकी बेटी इतनी पढ़ेगी? मैंने सोचा था, क्योंकि वो बचपन से ही इतनी तेज थी। जब मैंने उसको 2 साल 4 महीने की थी तो मैं नर्सरी में उसको एडमिशन के लिए पूछा, मेरी बड़ी 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 उनकी 3 साल की थी, तो वो थोड़ा रोती थी, इसी के चक्कर में इसको एडमिशन के लिए ले गई। तो वहाँ मास्टर ने पूछा ये क्या है वो क्या है, ये फटाफट बता दिए, मैंने हाँ हाँ ये पढ़ेगी। खानदान में भी कुछ लोगों ने कहा कि बेटी को मत पढ़ाओ, बच्चों की क्या करेगी, सब लोगों को सपोर्ट किया। आप फ्यूचर में इसको कहाँ देखना चाहते हैं? फ्यूचर में तो मैं इसको बहुत विचार कर देखना चाहती हूँ, क्योंकि इसका जो सपना है वो पूरा हो जाए, मेरी मेरा ये है, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रगल करके पढ़ाई हूँ, और बच्चे भी मेरे बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, 2 बेटे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी मेरे बच्चे जितने संघर्ष कर रहे हैं उतने ही ऊपर जाए, और संघर्ष करने के बाद ही आदमी कामयाब होता है जी। कि हाँ, मोहल्ले वाले जैसे देखते थे कि मेरे पति का इनकम नहीं है, ये नहीं है, तो वो सब बोलते थे कि मेरी बेटी को इतना पढ़ा के क्या करो, बेटी पढ़ा के शादी क्या कर दो, बस ये सब बोलते थे। लेकिन मेरी जो इच्छा बहुत थी कि नहीं पढ़ेगी, बेटी को पढ़ना भी चाहिए। हम लोग देखें, अगर बेटी को आप अपने कुछ भी पैर पे खड़े नहीं करोगे तो उनकी शादी कहीं हो जाती है और हस्बैंड के साथ कुछ हो जाता है तो फिर उसकी पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। आप बेटी को पढ़ाएं, इसके लिए हम लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और ये आशा करते हैं कि आपको देख के जो लोग अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रहे वो भी अपनी बेटी को पढ़ाने का परमिशन दे देंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद। आपकी बेटी आज मास्टर डिग्री कर रही है, कुछ दिनों के बाद ये पीएचडी भी करेगी, कैसा लगता है जब बेटी को कामयाब होते हुए देखते हैं? तो देखने चाह रहे हैं हम लोग भी, कोशिश तो कर रही है, भी कर रही है, इसके बाद हम भी चाहते हैं हो जाए तो बढ़िया बात। बेटी के लिए आपको क्या परहेज, इनको क्या दुआ देना चाहोगे आप? आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद दीजिएगा इसको, ठीक है। आपने कभी सोचा था कि बेटी इतनी दूर तक पढ़ पाएगी? नहीं नहीं, हमको तो पूरा विश्वास है, जैसे लड़की है मेरा, अच्छा जैसे है तो बढ़िया से हम जानते हैं इसके बारे में, हम इसीलिए को अपना ठीक पढ़ रही है, ना जगह मैं सब चीज़ ऐसा लगा कि अब इसके जो पढ़ रही है खर्च नहीं कर पाओगे, बेयर नहीं कर पाओगे, ऐसा कभी मायूसी हुआ फिर उसे आप हालात से उठे? जैसे भी भगवान तो पाप कर रहा है, जैसे भी हो रहा भी है, ये आपको क्या हम बोलेंगे, आपको मजबूरी तो भाई है, मजबूरी के क्या बोला जाए, फिर भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। अच्छा, कुछ गार्जियन है जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रहे हैं, वो बोले कि क्या करेगा पढ़ लिखे, तुम्हारा शादी कर देते हैं, और बेटी चाह रही पढ़े लेकिन माँ बाप पढ़ने नहीं देते। नहीं नहीं, देखिए पहले उसके लिए क्या कहोगे? इसका पहले जो सोचते थे, पहले क्या, पहले का बात दूसरा था, अभी का बात दूसरा हो गया। अभी ऐसा है, पढ़ाई जरूरी है, बच्चे हो लड़का हो लड़की भी, जो भी पढ़ाई, पढ़ाई करने के बाद तभी कुछ उसका आगे रास्ता निकलता है, और पहले वाला हाल नहीं है। जैसे चलो बच्चे को समय पर शादी कर रहे हैं, समय पर कुछ काम लगा दें, वो सब तो बेकार हो जाता है।
मैं भी सोचता नहीं,